उड़ेगा उड़ेगा आहा उड़ गया वहाँ पे जा पकड़ ले आप सब लोग। तो नवा दिन नई शुरुआत के साथ, और कल्पेश भाई भी है हमारे साथ और लाला भाई भी है मेरे साथ। बाकी हम लोग जा रहे हैं एक और रेस्क्यू करने, और टोटल आज 3 रेस्क्यू होने वाले। सुबह में कॉल आ गया, अभी एक रेस्क्यू करके आते हैं, और एक कबूतर है और एक मतलब काबर बोलते हैं गुजराती में, काबर बोलते हैं, आपको बताने वाले हम लोग। चलो रेस्क्यू करने जा रहे हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ रेस्क्यू करने जा रहे हैं हम लोग। तो फायर स्टेशन से हमने यहाँ पे पिंजन ले लिया है। तो सर हमारा काम कैसा लगा? अच्छा है। इंसानों की सेवा भी काफी लोग करते हैं, आप जो बोल नहीं सकते उनकी भी सेवा करते हो। अच्छा, हमारी रेस्क्यू बाइक कैसी लगी? ये कहीं से भी इंडियन फर्स्ट बाइक है, इंडिया की पहली बाइक है और गुजरात की भी पहली बाइक है, किसी के पास नहीं होगी। खुद मैंने कस्टमाइज की है इसको, क्योंकि मेन डॉग पीछे आते हैं, डॉग को अगर ले जाना हो ना तो पीछे केज बनाया हुआ है हॉल के साथ, पूरा स्टैंड है कि डॉग को भी ले जा सकते हैं हम। और अगर के वो पिंजन हो या कोई कबूतर हो तो उसका भी स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है। काफी अच्छी है, जो खुद की भावनाएं अभिव्यक्त नहीं कर सकते उनके लिए आपने बनाई है। हाँ, बाइक के डिजाइन के जितना ही आपका जो भाव है इसके पीछे का, वो भी उतना ही सुंदर है। थैंक यू फॉर सर, थैंक यू। चलो लाला भाई निकलते हैं हम फटाफट, जीव दया में जाना है, और अब तीन अपने बस तीन बर्ड हो गए ना, दो बर्ड वहाँ पड़े मणिनगर भी लेना है। यहाँ में पहुंचे, फिर वहाँ से हमको एक बर्ड मिला। यहाँ एक भाई है, वो उन्होंने बोला कि हमारे पास भी एक बर्ड है वहाँ पे इंजर्ड है। हाँ, मैंने रेस्क्यू कर लिया है, और ये बर्ड को बहुत ब्लडिंग हो रहा था ना भाई, बहुत ब्लडिंग हो रहा था, और ये भाई आए थे हमको बुलाने के लिए। तो हम जीव दया में ही थे, और जीव दया में से बस जा ही रहे थे और कबूतर को लेने के लिए। तो भाई ने बोला कि हमारे साथ चलो, यहाँ सामने ही है। तो लाला भाई वहाँ रुके हुए, फिर हम ये लेके जाते, फिर और दो कबूतर लेके आते। तो एक काबर है और इसके अंदर एक कबूतर, एक तो एक भाई लेके चले गए ना, तो ये दो पहुँचा के आते जल्दी से हम लोग जीव दया में। ये अच्छे ये पण हमने हाल ही दे से, तो उसको भी हम वहाँ पर दे देंगे। तीसरा भी आ गया भाई। जीव दया में आ चुके हम, और जीव दया में हमने दे दिया हमारा पिंजन, और वहाँ पे सब तो हमने यहाँ पे दे दिया। और हमारी बाइक यहाँ पे, हमारी बाइक को देख के सब बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, भाई कौन सी बाइक लेके आया, BMW लेके आया। बाकी ये फास्ट बाइक है, सबके पास एक्टिवा हर चीज़ लेके आ रहा है हर इंसान, बाकी ये सबसे फास्ट पहुंचा रही है। हम लोगों ने सुबह से चार, तकरीबन 30 मिनट के अंदर हमने 4 रेस्क्यू किए, टोटल 5 रेस्क्यू हो गए, 3 लेके आए और दो तो वहाँ से लेके आए थे और रेस्क्यू किए थे। तो भाई फटाफट से जाते हैं वहाँ पर बैठते, बाकी और कौन सा रेस्क्यू आता है। तो एक और रेस्क्यू आ गया है और हम लोग लेके जा रहे हैं एक और रेस्क्यू, जय भारत सोसाइटी में है ना, शांति वन पालड़ी। तो चलो जाते हैं वहाँ पे। तो ये रेस्क्यू करके लेके आया छोटा सा बच्चा है, ये भाई सब लेके आए सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? सिद्धार्थ, यहीं से ना, सिद्धार्थ सोसाइटी पालड़ी महालक्ष्मी से इसको लेके आए। ये बहुत छोटा है, तो इसको भी जीव दया में दे देंगे, अगर अभी जाएंगे ना हम तो जब दे देंगे। तो लाला भाई और हम दोनों जा रहे हैं भाई, कहाँ पे रहते हैं? पुलिस चौकी में रहते हैं, रिवर फ्रंट में है, कबूतर है, घायल है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, खतरनाक पोजीशन में है, तो वहाँ जा रहे हैं, हेलमेट ले लेते और चलो। अभी तो बंद
મારે છે તો કોણે બોલાવ્યું છે તો ફોન કર્યો તો સર તમે ફોન કર્યો છે બરોબર કા ઘાયલ પક્ષી છે એક આને ખાલી કે જેને એનું ધ્યાન ગયું તો એને થોડો આ છોકરાનો ધ્યાન ગયો તો વાંધો નહીં પહોંચી જશે આની જગ્યાએ એને થોડું અડવું છું એમ છે અડવું છે બ્લડિંગ થાય છે વધારે तो इसके अंदर होल पाड़ के लाने चाहिए थे ना दूरी काटो બાકી ક્યાં વાગેલું તો નથી ના વાગેલું છે પાકમાં ભરેલું છે અચ્છા બે પાંચ મિનિટ પહેલા જ ફસાવ્યું અમારે જેટલું હાથમાં પેડ ને ફસાવવા હતા નહીં દોરી કેબલ પેડ કેબલ હતો છે હા બહુ જ્યાદા ફસાવવા હતો બહુ દોરી હતી એક મિનિટ હું પકડતો નહીં ચાલેગા યાર યાર આપણે ના गले में फंसाई हुई है यहाँ सर ये वाली काटो यहाँ सर गले में तो लगा नहीं एक बार देख लेना पंखा पाई जो बस पकड़ कर पकड़ो जगदीश भाई ઉંગલી પકડી લીધી એલડી ભાઈ ઓર મેં હમ લોગ દોનો જા રહે હૈ मुझे इसको वहाँ पर देने के लिए क्योंकि ये डिहाइड्रेशन से डर गया है और उड़ नहीं सकता है
तो इसको वहाँ पे पहुँचाते हैं और कल तक वो लोग इसको भेज देंगे वहाँ पे। तो फाइनली गाइस मैं और बेजन भाई जा रहे हैं कबूतर रेस्क्यू करके अभी जीव दया में देने के लिए, तो जल्दी से जाएंगे। और ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है भाई, धूप से डिहाइड्रेशन हो जाता है इसको। मतलब इसको क्या है, मैं बोलता हूँ चलो तुम बाइक चलाओ, तो इसको क्या ये तार में फंसा हुआ था, पूरा जाल में लिपटा हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो में। तो क्या धूप में उसको पानी वगैरह खाना वगैरह कुछ नहीं मिला, तो पूरा डिहाइड्रेशन हो गया है इसको। मैंने उसको उड़ाने की कोशिश की, उसको अच्छा है कि उसको लगा नहीं है, उसको खाना पीना नहीं मिला ना, वो डिहाइड्रेशन हो गया। तो अभी जाते इसको कुछ दवाई ववाई देंगे तो इसमें वापिस स्टेमिना आ जाएगा, उसके बाद इसको उड़ा देंगे शाम तक। गाइस हमने पिंजन यहाँ पे दे दिया है, बस वापस से अभी जाएंगे, कोई दूसरा रेस्क्यू आता है तो वो भी करते हैं और आप तक अपडेट पहुँचाएंगे। रेस्क्यू करके आए और वापस से एक और पिंजन हमको मिला, तो इसको डिहाइड्रेशन ही हो गया होगा इसको भी। देख लो लगा हुआ तो नहीं है कहीं, देखो यहाँ रख के देखो, अगर ये उड़ता है तो उड़ जाएगा, उड़ेगा। आहा उड़ गया, वहाँ पे जाके बैठ गया, वहाँ पे जाके बैठ गया। हमारे आए तक तो आपने कर दिया। और लाला भाई आपसे मिलने आए है, लाला भाई आ गए आपसे मिलने। किसने लाके दिया? ओ, एक लड़के, एक लड़के के लाके दिया। चलो अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई थे नहीं यहाँ पे और मैडम ने अच्छा काम कर दिया यहाँ पे कि मैं दोरी भरा गई और लाला भाई दोरी निकाल रहे हमारी गाड़ी में से। देखो लाला भाई ने अपने कपड़े खराब कर लिए हमारे लिए। ये वो ही है लाला भाई जो मिलिट्री में थे। तो अभी आ रहे है, मेरा एक फ्रेंड है उसका कॉल आया था, मेरा व्हाट्सअप पे नाखा था तो उसका कॉल आया था भाई एक इंजन है तो वो मतलब डोरी से फंस गया या कुछ हो गया है, बोले मैं लेके आपके पास आऊँ। तो मैंने लोकेशन डाल दिया, बस मेरा दोस्त आ रहा है मुझे देने के लिए और यहाँ से लेके जाते और वहाँ पे दे देते वापस से जीव दया में। 10 धक्के खाने हो तो भी हम खाएँगे, ये जानवर है भाई वो किसी को बोलता नहीं है। तो ये लेके आया लालू, क्या है भाई खैरियत? ये अपना फ्रेंड है और फ्रेंड का कॉल आया था और ये पिंजन लेके आया इसके अंदर। तो देखो मासी इसको क्या लगा हुआ है, एक और कबूतर आया है लगा तो दोरी नहीं भरे हुए, एक रेस्क्यू के लिए बर्ड आया है यहाँ पे। इस पे दोरी लगी हुई? ना दोरी तो नहीं लगी है पर गिर गया था। गिर गया ना तो डिहाइड्रेशन का शिकार। बताओ एक मिनट पलटी करो, कहीं पे लगा होगा यहाँ पे। इसको नहीं उड़ेगा, उड़ेगा ही नहीं। उसको पिंजरे में रखो थोड़ी देर के लिए, वो क्या ठंडा हो जाएगा ना। हमारे एलडी भाई लोगों की मदद करते हुए एलडी भाई मदद कर रहे हैं भाई। देखो रास्ते में से डोरिया हटाना, लोगों की जान बचा रहे एलडी भाई। ओ एलडी भाई इसमें कबूतर है, कहाँ से रोड ऊपर से लाया? हाँ इतना रोड पर लटकता तो मजी जोई है वो लाला भाई जोड़े कॉन्टैक्ट पर तू। बरोबर बरोबर ले लो, अच्छा लाला भाई बॉक्स बुक ही किया था लेकिन ले लो, लो पकड़ो चलो। थैंक यू चाचा। ना ना तू ना लाला भाई सब लाला भाई कबूतर तो रहता है लेना है। पकड़ो मैं पकड़ो तो जल्दी भाई।
ले लो कर दो हम तक अरे सीधे कार ले लो जी ना जी पर ले ना हम ड्राइवर जी आज धोई नाख दो भाई ऊपर छे ऊपर पूरे दोरी से ना गए नहीं ना कितना हाल कितना नहीं वादो नहीं यार हमने हम जवाब होता रहे हमने कबूतर ले लिया और कबूतर को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और एलडी भाई बोले कि चलो अपनी गाड़ी में फटाफट से अपने पहुंच जाते बाइक करते बोले इसके अंदर क्योंकि इसको ब्लीडिंग हो रहा है तो बोले और प्रॉब्लम हो सकती है हवा से तो बोले चलो अपने इसके अंदर जाते लेफ्ट 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 जाने दो लेफ्ट क्योंकि बाइक के ऊपर जो ब्लीडिंग होती है ना इसको हाँ यहाँ से राइट तो इसके और उसको ब्लीडिंग होती है ना तो बाइक के ऊपर जो हवा आती है और आवाज़ आता है ना तो उससे ब्लीडिंग और होती है क्योंकि इसके गले पे आ गई है दोरी गले से खून जा रहा है तो चलो आपको जीव दया मे देते फटाफट समड़ी को रेस्क्यू करने जाना है रेस्क्यू के लिए हम पहुंच रहे हैं ओके टू की पे हमारे पास काला बाज है फोन आ गया काला बाज है बस देखो लाला भाई शाह राह देख रहे हमारी पढ़ी लिखी है यहाँ रुको 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 थोड़ी दूर दूर उभारो दूर उभारो ये फेमिन भाई पकड़ से है ना हमारी समड़ी मिल चुकी है भाई हमको पकड़ ले मेरा उसके पंजे पंजे खतरनाक हो गए आओ भाई पकड़ ही ना मेरे की जो आ जो आप बोलते आई ना हमारा मामा बड़ा आदमी थे मरीज जैसे भाई यहां जबान बांध के ना ना इतनी कर सकता पकड़ी ली थी मैं तो तुमने देखा ही नहीं तुम लोगों ने तो देखो इसको कितना लग गया भाई जल्दी से क्योंकि है ना प्रॉब्लम हो जाएगी इसको फटाफट ले लो बास्केट में डालो इसको ढूंढ लिया ना भाई मैंने बोला था ना कि आज मेरे को मिल जाएगी मेरा दिल बोलता था कि मिलेगी कहीं गई नहीं होगी सैनिटाइजर से धोई लीजिए अपने त्यां जवा दो तो गाइस हमने समड़ी तो यहाँ पे दे दी है और अभी फेमिन भाई को कुछ यहाँ पे काम है जो सांप का रेस्क्यू करते बहुत ख़तरनाक सा वो और वीडियो में मेरे देखना मैंने शॉट डाला हुआ है इनका कि बहुत ख़तरनाक सा रेस्क्यू करते हैं हमारे फेमिन भाई कोई भी कोबरा भी हो तो हाथ से पकड़ लेते भाई का डेयरिंग बहुत ख़तरनाक है और भाई यहाँ पर जीव दया में अभी बच चुके हैं कुछ 6 बज चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पे अभी भी बहुत जने आ रहे हैं यहाँ पे बर्ड लेके और मेन तो देखो कल का ही है कल भी बहुत सारे बर्ड आने वाले हैं यहाँ पे यार समझ लो बहुत सारे बर्ड आएंगे यहाँ पे कल भी क्योंकि उत्तरायण में चढ़ाने वाले इतने हैं ना यार पतंग बाकी कोई समझता नहीं है हम समझ गए बहुत बड़ी बात है हम सेवा करेंगे तो और वीडियो में आपने देखा होगा हमने समड़ी को रेस्क्यू कैसे किया क्योंकि हम लोग जहाँ पे गए थे रेस्क्यू करने तो वो जगह पे समड़ी उड़ गई थी मतलब चील उड़ गई थी तो हमने देखा एलडी भाई ने दूर से देखा कि वो समड़ी उड़ गई तो बोले फैजान भाई एक काम करो वो तो उड़ गई है हमको कोई अब देखना नहीं है मैंने देख लिया है फैजान भाई वो तो उड़ गई है मैंने बोला नहीं एलडी भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो समड़ी वहीं पर मैं आगे गया मैंने देखी और एक ऐसी गाड़ी थी ना गाड़ी के नीचे मुझे झाड़ू दिखी मेरे को ऐसा लगा कि यहीं बैठी है तो मैंने नीचे देखा मिला यार नहीं है फिर थोड़ा हौसला टूटा आगे गया और वीडियो में जैसा देखा मैंने जाके पीछे से उसको पकड़ लिया सब मेरे को बोले मत पकड़ो क्योंकि उसके जो पंजे होता ना है फेमिन भाई वो जो समड़ी होती है तो आप क्या बता रहे थे समड़ी के बारे में उसके पैर दोनों पकड़ हाँ। के एकदम पाँख और दोनों पैर हाँ। एक कर लेने के फिर नहीं आप मुझे ना बोल रहे थे कि समड़ी को आप मत पकड़ लेगी तो वो ब्लॉक कर लेगी ब्लॉक कर लेगी उसके तो ये फिर खुलेगा नहीं अगर काट भी लोगे तो भी ये खुल नहीं पाएगा
उसका, फिर काटना ही पड़ेगा यहाँ से दूर से। अच्छा, उसका नाखून ही काटना पड़ेगा वहाँ से, नाखून ही काटना पड़ेगा, वो इतना अंदर तक डाल देती है उसको। तो फेमिन भाई ने ये चीज़ बताई, बाकी मैंने उसको पकड़ लिया था मजबूती से, फिर फेमिन भाई ने आके उसको पकड़ा और केज में डाला और हम यहाँ ला के हमने दे दिया। तो कुछ 2 महीने रहेंगे इसको रिकवर होने में, 2 महीने में रिकवर हो जाएगा। तो चलो अभी कोई रेस्क्यू आता है फिर बताते हैं, तो वीडियो एड कर देंगे हम हमारी आज की। एक रेस्क्यू आ गया है कबूतर का, तो यहाँ पे जा रहे हैं। तो बोला था ना आपको कि अगर होगा तो हम आपसे मिलेंगे। तो एलडी भाई ने, ये लोग हमारी गाड़ी चला रहे हैं, और लाला भाई ला इधर इधर ले जाओ गाड़ी, ना ले जाओ ले जाओ, ये तो कहीं लेगी साल पे जुड़े। अरे मुकी दो ना। तो अभी एक रेस्क्यू आया है, कल्पेश भाई और मैं जा रहे हैं। कल्पेश भाई कल्पेश, हम जैसे आए ऐसे कल्पेश भाई को, कल्पेश भाई ने बोला कि एक और रेस्क्यू आ गया, तो चलो अपने जाके आते हैं। तो इन्होंने इनका ये लगा लिया है टोपा, हमने भी लगा लिया हमारा हेलमेट, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है। ठीक है, और जीव गया हमें तो, बहुत लोग अभी चले गए, बस ये छेला रेस्क्यू दे रहे थे, फिर मिलते हैं। चलो, हमने जीव दया में दे दिया है, हमारा जो पिंजन था वो दे दिया है आपको, इतना सारा हम बता नहीं सकते भाई। तो ये जीव दया यहाँ पे है, और अंदर भी पूरा बना हुआ है जिस तरह आपने देखा। तो देखते हैं यार वीडियो को। तो हमने पिंजन यहाँ पे दे दिया है, क्या आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताएंगे, वही काउंटर और हम वहीं दे रहे हैं। तो उसको क्या ब्लडिंग थी उसको भी, तो हम हमारे कल्पेश भाई ने कम्प्लेट से यार बहुत जल्दी पहुँचा दिया। कल्पेश भाई ने मेरे को ऐसा किया, कल्पेश भाई चला नहीं पाएंगे, बाकी कल्पेश भाई ने बहुत ज़ोरदार चलाई। मैंने हेलमेट पहन लिया, मतलब हेलमेट से ठंडी भी ना लगे और हमको कुछ हो भी ना, पर कल्पेश भाई ने पहुंचा दिया। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और तो हमारा रेस्क्यू ख़त्म होता है, क्या बोलते हो भाई, मज़ा आया कि नहीं? अभी तो ख़त्म हुआ है, लेकिन कभी दौड़ना पड़े पता नहीं, रात को कोई आएगा रेस्क्यू तो रात को भी दौड़ेंगे, सुबह भी दौड़ेंगे। तो हम लोगों ने रेस्क्यू कंप्लीट कर दिया, जो लास्ट वाला था रेस्क्यू वो कंप्लीट कर दिया। घड़ी घड़ी आपको क्या काउंटर बता बता करे, बस हमारा देना मकसद था और आपको मोटिवेशन देना मकसद था हमारा। तो हमने आपको वो दे दिया या नहीं दिया है, वो आप वीडियो आगे शेयर करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमने आपको मोटिवेशन दिया है कि नहीं। ठीक है, तो कल भी आने वाला, कल भी यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर कल भी शायद बर्ड आवे कहीं पर लटके हुए होंगे, तो कल ख़त्म करेंगे ये चीज़ को। और आप लोग भी रात को अगर फ्री हो तो पेड़ पे से जितनी भी दूरी निकाल सकते हो, अपनी छत पे से जितनी भी दूरी पड़ी हो सब इकट्ठा करके जला डालो, ताकि कोई भी पक्षी अंदर फंसे नहीं। सही बात है भाई। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।